Good morning, students. I am Kaikesha, faculty of Target with SK Sir. Today we are going to deal with The Lives of the Poet, which was published in 1781 by Dr. Samuel Johnson. Dr. Samuel Johnson, often referred to as Dr. Johnson, was an English writer who made a lasting contribution to English literature as a poet, playwright, essayist, moralist, literary critic, biographer, editor, and lexicographer. In my previous class, I have already discussed about the biography of Dr. Samuel Johnson in detail, and I have already discussed Preface to Shakespeare by Dr. Samuel Johnson. Those who have not attended my lecture, please go through the video that is on YouTube. Okay, so today we are going to deal with the lives of the most eminent English poets, alternatively known by The Shorter Little Lives of the Poet, is a work by Samuel Johnson, comprisingly short biography and critical appraisal of 52 poets, most of whom lived during the 18th century. Let's discuss. Dr. Samuel Johnson, Lives of the Poet, is also known as Preface, Biographical, and the Critical to the Works of English Poet. In this work, he has written the biography of 52 writers, who mostly belongs to 17th and 18th century. Actually, in 1770, some booksellers approached Dr. Samuel Johnson, and he has offered him to write about the little lives and little prefaces to the little edition of the English poets. 1777 में कुछ booksellers उनके पास आए. उस वक्त तक ये जो है अपने आप को establish कर चुके थे as a great writer, critic और translator. क्योंकि इन्होंने अपना career start किया था as a translator. तो उस वक्त जो है लंदन के कुछ बड़े बुकसेलर्स उनके पास आए और उन्होंने कहा कि आप जो इंग्लिश के ग्रेट राइटर्स हैं उनके बारे में आप लिखिए. और ये जो है बहुत जल्दी एग्री हो गए, बिकॉज ही लव एनेक्डोट्स. उनको जो है रियल इंसिडेंट्स और लाइफ के बारे में पढ़ने का, जानने का, लिखने का बहुत ही शौक था, क्योंकि उनको उनका ऐसा मानना था कि बायोग्राफिकल पार्ट ऑफ लिटरेचर इज बेस्ट ऑफ ऑल. वो बायोग्राफिकल पार्ट को जो है बहुत ही अच्छा मानते थे लिटरेचर में. पहले तो उनको लगा कि ये वर्क जो है बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा, बट व्हेन ही स्टार्टेड राइटिंग ओनली द प्रीफेस कंसिस्ट ऑफ 10 वॉल्यूम्स एंड द पोएट्री ग्रू 56 वॉल्यूम्स. ये काफी बड़ा वर्क हो गया था, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उन्होंने ये सारे के सारे 52 राइटर्स के ऊपर काफी लंबी लंबी बहुत ज्यादा पेजेस लिखे हैं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं. कुछ तो ऐसे राइटर्स हैं जिनके बारे में इन्होंने 2 या 3 पेजेस लिखे हैं, और कुछ ऐसे राइटर्स हैं जिनके बारे में उन्होंने पूरी पूरी वॉल्यूम्स लिखी है. बट इनका जो वर्क था लाइव्स ऑफ द पोएट, इट इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स. सबसे फर्स्ट पार्ट में जो है उन्होंने पोएट के लाइफ को डिस्कस किया है, उनका बर्थ प्लेस, उनके पेरेंटहुड, उनका एजुकेशन, उनका कल्चर, वो जिस सोसाइटी से बिलोंग करते थे, और क्या क्या चीजें जो उनके लिटरेरी करियर पर और उनके पर्सनल लाइफ को किस तरीके से इफेक्ट किया, उन सब चीजों के बारे में लिखा है. फिर जो है उन्होंने उसके कैरेक्टर के बारे में लिखा है, और लास्ट में उन्होंने जो है किसी भी पोएट के क्रिटिकल वर्क का असेसमेंट किया है. ये इन ऐसा लिखने के पीछे उनका ये कहना था कि कोई जरूरी नहीं है कि एक आदमी जो बहुत अच्छा पोएट है वो एक अच्छा इंसान भी हो. तो वो ऐसा चाहते थे कि जब आने वाली जेनरेशंस उनकी बायोग्राफी को पढ़े तो उनको ऐसा लगे कि जो ग्रेट राइटर्स हैं या ग्रेट पोएट्स हैं उनको एक अच्छा इंसान भी होना चाहिए. तो आने वाले फ्यूचर लाइफ में अगर कोई अच्छा राइटर होगा और उसके कैरेक्टर में कोई लूप होल्स होगा, तो वो अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि
जो ग्रेट राइटर्स होते हैं या पोएट्स होते हैं या फिर कोई भी लिटरेरी फिगर्स होती है, लोग उनको फॉलो करते हैं, तो समाज को बनाने का दायित्व उनके ऊपर बहुत ज्यादा होता है। ये सोच करके ही उन्होंने लाइफ ऑफ द पोएट में किसी भी राइटर के लाइफ को 3 भागों में डिवाइड किया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि लाइफ ऑफ द पोएट्स को उन्होंने जो है डेट ऑफ द डेथ्स के अकॉर्डिंगली, जिसका डेथ पहले हुआ है उसको फिर बाद में से, मतलब कि जिन राइटर्स की डेथ पहले हुई है उसके बारे में फर्स्ट लिखा है, जिनकी डेथ उसके बाद हुई है उसको नॉट, ही हैज रिटन द लाइफ ऑफ अ बायोग्राफी नॉट अकॉर्डिंग टू द बर्थ बट अकॉर्डिंग टू द डेथ। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा आता है, जिसे हमारे नेट में यूजीसी नेट में और पीजीटी टीजीटी जितने भी क्वेश्चंस, मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, कि इस वर्क में कौन कौन से मेजर पोएट्स हैं जिनके बारे में उन्होंने लिखा है। तो 5 मेजर पोएट्स हैं जिनके बारे में जो है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने लिखा है, जिसमें अब्राहम कॉली, जॉन मिल्टन, जॉन ड्राइडन, जोसेफ एडिसन और अलेक्जेंडर पोप, इन जो है 5 के नाम शामिल है। इन 5 के नाम को आप रट जाइए, आप इनको एक बहुत ही आसान तरीके से रट सकते हैं कि जो है जो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन थे वो भी 18 सेंचुरी के ग्रेट राइटर थे, और ड्राइडन और जो पोप थे वो भी उनके एज के ग्रेट राइटर, दो तो इनके ग्रेट के एज के ही हो गए। अब्राहम कॉली और मिल्टन जो है वो जो है प्यूरिटन एज के थे, तो उन्होंने जो ये एक याद रखे 17 और 18 सेंचुरी के राइटर्स को लिखा है। तो 2 राइटर जो 3 राइटर थे जो है एडिसन और ड्राइडन और पोप, ये तीनों तो उनके एज के ही थे, और 2 राइटर जो थे दैट इज 1 इज मिल्टन और 2 इज अब्राहम कॉली। ठीक है, तो ये चीज जो है आप ये 5 राइटर्स को आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बिल्कुल गेट बाय हर्ट। दूसरा जो है, इन्होंने सिर्फ ग्रेट राइटर्स के बारे में नहीं लिखा है, बड़े राइटर्स के बारे में नहीं लिखा, कुछ बहुत ऐसे छोटे राइटर्स के बारे में भी लिखा है जिसको लोग जानते भी तो, और ये बहुत ही स्ट्राइकिंग था कि एक आदमी जो एक बायोग्राफर जो कि इतने बड़े बड़े राइटर्स के बारे में लिख रहा है, उसने छोटे राइटर्स के बारे में भी लिखा है। ठीक है, तो उन्होंने विलियम कॉलिंस के बारे में भी लिखा है और विलियम शैटरटन के बारे में भी लिखा है, जिसको शायद बहुत कम लोग ही जानते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये जितने भी राइटर 52 राइटर्स इन्होंने जो लिखे हैं उन सबको वो पसंद करते ही थे, नहीं, बहुत सारे ऐसे राइटर थे जिनको वो एज अ मैन पसंद करते थे, और बहुत सारे ऐसे राइटर थे जिसको वो एज अ पोएट और एज अ ड्रामेटिस्ट पसंद करते थे। जॉन मिल्टन और थॉमस ग्रे, ये एक ऐसे राइटर थे जिसको डॉक्टर सैमुअल जॉनसन एज अ लिटरेरी फिगर तो पसंद करते थे पर उनको एज अ मैन पसंद नहीं करते थे। आप इस चीज को याद रखेगा कि थॉमस ग्रे को और जॉन मिल्टन को जो है वो कभी भी जो है एज अ मैन पसंद नहीं करते थे, बल्कि एज अ लिटरेरी फिगर पसंद करते थे। और इस बात के लिए जो है उन्होंने जो कमेंट्स जॉन मिल्टन के ऊपर दिया है और थॉमस ग्रे के ऊपर दिया है, इसके लिए उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया है कि जो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का जो क्रिटिसिज्म है लाइफ ऑफ द पोएट्स में जॉन मिल्टन को लेकर के और थॉमस ग्रे को लेकर के वो बहुत ही ज़्यादा बायस्ड हैं। थॉमस मैथ्यू ऑनर्ड साहब ने तो सीधे सीधे कह दिया है कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने जो है ग्रे के बारे में जो भी कहा है वो उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रे ही एक ऐसे ग्रेट राइटर थे जो कि प्रोज की एज में जो पोएट्री लिखते थे, मतलब उन्होंने कह दिया कि जो एज ऑफ पोप था यानी कि 18 सेंचुरी के ही एक ऐसे राइटर थे जो कि प्रोज का एज माना जाता है, सटायर का एज माना जाता है, जिसमें उन्होंने जो है पोएट्री लिखी है, तो ये इनकी एक्सीलेंस को कहते हैं। मैथ्यू ऑनर्ड के हिसाब से ये बहुत ही एक्सीलेंस राइटर थे और बहुत ही ग्रेट आदमी थे, बट इसको जो है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन नहीं लाइक करते हैं। कुछ ऐसे भी राइटर थे जिसको वो एज अ मैन पसंद करते थे बट एज अ राइटर पसंद नहीं करते थे, एज अ पोएट पसंद नहीं करते थे। उनमें एक जो है राइटर है जिसका नाम विलियम कॉलिंस है, जो कि माइनर राइटर के अंतर्गत आते हैं, और उनके बारे में जो है कि उनको जो है ये एज अ मैन तो पसंद करते थे बट एज अ राइटर और एज अ पोएट पसंद नहीं करते थे। ही डिसअप्रूव्स विलियम कॉलिंस एज अ मैन और एज अ पोएट, क्योंकि उनका मानना था कि विलियम कॉलिंस का जो वर्क है उसमें जो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होता है वो सही नहीं होता है, और ऐसा लगता है कि विलियम कॉलिंस जो है कुछ जबरदस्ती का नेम फेम पाने के लिए लिखते हैं, उनका
जो प्रोज जो वो लिखते हैं ना उनको बहुत ही ज्यादा आर्टिफिशियल तरीके से लिखते हैं, जैसे लगता है कि वो पोएट्री लिख रहे हैं, और उनको ही डज नॉट नो द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ अ पोएट्री और लैंग्वेज ऑफ अ प्रोज, मतलब उनके जो लिखने का स्टाइल है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं. बट एज अ मैन विलियम कॉलिंस एक बहुत ही अच्छे इंसान है. तो यहाँ पर इस स्लाइड में जो हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, हमारा बन सकता है, तो एक तो पहला क्वेश्चन ये हमारा बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि व्हाट आर द मेजर राइटर्स. तो ये पांच ऐसे राइटर्स हैं, अब्राहम कॉली, जॉन मिल्टन, जॉन ड्राइडन, जोसेफ एडिसन और अलेक्जेंडर पोप, और जो माइनर राइटर है दैट इज विलियम कॉलिंस एंड विलियम चैटर्टन. ये दोनों चीजों को आप याद रखिएगा इस स्लाइड में. उसके बाद जो है हम आते हैं, हम वन बाय वन करके जितने भी राइटर्स हैं जिनके बारे में इन्होंने बताया उन सबके बारे में हम आपको बताएंगे. तो सबसे पहले जो उन्होंने जो लिखा है दैट इज अलेक्जेंडर पोप के बारे में उन्होंने लिखा है. अलेक्जेंडर पोप के बारे में उन्होंने बहुत ही डिटेल्ड में लिखा है. इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या था कि अलेक्जेंडर पोप जो थे उनके खुद के कंटेम्प्रेरी थे और ड्राइडन भी उनके खुद के कंटेम्प्रेरी थे. तो जो मटेरियल था उनके पास, जो सब्जेक्ट मैटर को लिखने के लिए जो रॉ मटेरियल था, उनको बहुत ही आसानी से मिल गया था, और वो उसको बहुत जो है अलेक्जेंडर पोप को पर्सनली भी बहुत अच्छे से जानते थे, और जो उनके वर्क्स थे या उनकी बायोग्राफी थी उनके बारे में उनको बहुत ही आसानी से बहुत सारे मटेरियल्स मिल गए थे. तो उनके पास लिखने के लिए बहुत कुछ था. तो उन्होंने जो है जो लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर पोप है उसको बहुत ही खुल करके निखारने की कोशिश की है, बहुत ही खुल करके बताने की कोशिश की है. और इन्होंने जो है ड्राइडन पोप और जो है जनाथम स्विफ्ट, इन तीनों की जो है बहुत सारी किताबों को, मोर देन 50 एसेज और उनके जो पोएम्स हैं उसको थरली रीड किया, और रीड करने के बाद जो है उनका कंक्लूजन निकाला. पोप के बारे में तो वो कहते हैं कि जो पोप की जो पोएट्री होती थी बहुत ही ज़्यादा कंजीनियल होती थी, इट गिव्स लॉट्स ऑफ प्लेजर, बहुत ही प्लेजर देती थी. और ड्राइडन और पोप दोनों के जो वर्क थे, चाहे वो पोएट्री हो चाहे वो एसेस, वो बहुत ही ज़्यादा रीडेबल थे, बहुत ही ज़्यादा पढ़ने लायक है, क्योंकि ये हमेशा क्या करते थे, कुछ ना कुछ सोशल मैसेज देते थे. आई थिंक अप टू क्लियर नाउ. Then move to the next slide. ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. उन्होंने ड्राइडन और पोप दोनों के वर्क को, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि ड्राइडन, पोप और जनाथम स्विफ्ट, इन तीनों के मोर देन 50 वर्क्स को, एसेज को और जो है प्रोज को उन्होंने पढ़ा, पोएट्री को पढ़ा और उसका एनालिसिस किया. तो इन्होंने ड्राइडन के वर्क में और पोप के वर्क में क्या डिफरेंस था उसको जो है बहुत ही अच्छे से लिखा है. वो कहते हैं कि जो ड्राइडन थे ही इज़ वेरी मच कैप्रीशियस, उनका जो मूड था वो बहुत ही मूडी थे, उनका मूड बहुत जल्दी स्विंग करता था, बहुत उनके मूड में बिहेवियर में कभी कभी अचानक से बहुत चेंज आ जाता था. लेकिन अलेक्जेंडर पोप जो थे बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखते थे, और वो अपने स्टाइल को लेकर के, अपने राइटिंग को लेकर के बहुत ही ज़्यादा यूनिफॉर्म थे और बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस थे. वो क्या लिख रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, उसको लेकर के वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस थे. एक तरफ उन्होंने ड्राइडन के बारे में कहा है कि ड्राइडन जो है वो अपने ब्रेन के मोशंस को समझते थे, ठीक है, वो अपने ब्रेन में जो क्या क्या चीज़ें हो रही है, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं उसको समझते थे, उसको ऑब्वे करते थे. लेकिन जो अलेक्जेंडर पोप है वो अपने माइंड को गवर्न करते थे, उनके अंदर इतनी ताकत थी कि वो अपने दिमाग को कंट्रोल करते थे, और वो अपने दिमाग उनके उनके दिमाग पर जो है ना उनका बहुत बड़ा कंट्रोल था, बहुत बड़ा कब्जा था. दूसरा, एक उसकी तारीफ करते हुए, ड्राइडन की तारीफ करते हुए कहते हैं कि ड्राइडन जो थे ना वो बहुत ही पैशनेट राइटर थे, ही इज अ वेरी पैशनेट राइटर और वेरी रैपिड, मतलब किसी भी चीज के बारे में बहुत ही रैपिड मतलब जवाबी, जिसको हाजिर जवाबी कहते हैं, कि मतलब वो इतने इंटेलिजेंट थे कि हर सवाल का जवाब उनके पास होता था, बिल्कुल खतरनाक थे वो. और इसके बारे में कहते हैं, पोप के बारे में कहते हैं कि पोप जो है बहुत ही स्मूथ थे, बहुत ही साफ सुथरे, बहुत ही शांत सुशील टाइप के राइटर थे, बहुत ही यूनिफॉर्म थे, बहुत ही जेंटल थे. ओके, उसके बाद जो है उन्होंने कहा है कि ड्राइडन ने जो है वो क्या लिखा है, नेचर्स के बारे में लिखा है, इनइक्वालिटी के बारे में लिखा है, और उन्होंने जो है जो नेचुरल ब्यूटी, जो नेचुरल सराउंडिंग्स है उसको बहुत ही अच्छे से समझा है और उसके बारे में लिखा है. लेकिन पोप की जो पोएट्री होती थी बहुत ही वेलवेट होती थी, बिल्कुल मखमली होती थी, और काफ़ी फैलाव होता था उसमें, बहुत ही उसमें खूबसूरती पाई जाती थी. फिर उन्होंने ड्राइडन की तारीफ करते हुए कि ड्राइडन एक आग है,
मतलब उसकी जो राइटिंग होती थी ना वो एक आग है, बिल्कुल आग की तरह होती थी। फिर पोप के बारे में वो कहते हैं कि पोप जो है वो बहुत ही रेगुलर लिखते थे और कॉन्स्टेंट लिखते थे, उनकी राइटिंग में जो है एक बहुत ही बड़ा ठहराव पाया जाता है। फिर उन्होंने ड्राइडन की तारीफ करते हुए एक बहुत बड़ी बात कर दी है, कह दी है, और जिसकी वजह से उन्होंने ड्राइडन को पोप से बहुत ही ऊपर माना है। वो कहते थे कि ड्राइडन से जो हम एक्सपेक्ट करते हैं ड्राइडन उससे बहुत ऊपर है, जिसको कहते हैं ना सुपर से ऊपर। वो जो एक सीरियल आता है ना रियलिटी शो जिसमें सुष्मिता ये शिल्पा शेट्टी कहती है आपका तो अंदाज एकदम सुपर से ऊपर वाला था, बिल्कुल वैसे ड्राइडन का जो 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 ऑडियंस ड्राइडन से एक्सपेक्ट करती थी वो उससे बहुत ऊपर लिखते थे, वो उनको बहुत ही ज्यादा सरप्राइज कर देते थे। मतलब ड्राइडन के लिखने का स्टाइल इतना अच्छा था कि लोग सोच नहीं सकते थे, उनके बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस वो लिखा करते थे। लेकिन पोप जो है लोगों के एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतरते थे, ठीक है, वो जो उनसे पब्लिक एक्सपेक्ट करती थी, जो लोग एक्सेप्ट मतलब एक्सपेक्ट करते थे उससे वो नीचे कभी भी नहीं गिरते थे, ठीक है। ड्राइडन जो है जब हम ड्राइडन को पढ़ेंगे तो हमें हमेशा लगेगा कि हम कुछ नया पढ़ रहे हैं, हम कुछ अलग पढ़ रहे हैं, वो आपको हमेशा एस्टोनिश करेंगे। ये ड्राइडन की खासियत थी, ठीक है। और जो पोप की खासियत थी कि वो हमेशा आपको एक प्लेजर मिलेगा, एक आपको पढ़ करके उसको बड़ी खुशी होगी। तो इन ड्राइडन को और पोप को ही बहुत ही अच्छे से जो है उन्होंने कंपैरेटिव स्टडी किया है और उसका लिखा है। अब वो कहते हैं कि ड्राइडन जो है वो पोप से बहुत ऊपर है। फाइनली उन्होंने कहा है कि जो ड्राइडन है इज अ मोर बेटर राइटर देन पोप। ऐसा उन्होंने क्यों कहा है, लेट्स डिस्कस। उनका कहना था कि अगर नॉलेज के बारे में अगर कहा जाए तो नॉलेज जो है ड्राइडन का बहुत ही ज्यादा सुपीरियर था। वो बहुत ही बड़े स्कॉलरिस्टिक थे, बहुत एजुकेशन था उनके अंदर, और वो कुछ भी यूं ही नहीं लिखते थे, कुछ भी लिखने से पहले वो बहुत ही ज्यादा वक्त देते थे, पढ़ते थे, और जो भी चीजें वो इंफॉर्मेशन गैदर करते थे बहुत ज्यादा किसी भी चीज पे एनालिसिस करते थे और जो है कंट्रास्ट करते थे, उसके बाद वो इंफॉर्मेशन गैदर करते थे, और कुछ उनका जो नॉलेज का जो हॉरिजॉन था वो काफी बड़ा था। वो कहते हैं ना द कैनवस ऑफ नॉलेज इज लार्ज इन देयर लाइफ। तो बस यही बात हो गई है ड्राइडन के लिए कि वो ऐसे ही कुछ भी नहीं लिखते थे, वो लिखने से पहले बहुत ज्यादा जो है एनालाइज करते थे, बहुत ज्यादा जो है उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करते थे, तब जाकर के वो कुछ लिखा करते थे। और ड्राइडन की एक बहुत ही ग्रेटनेस थी कि वो आदमी के जनरल नेचर को बहुत अच्छे से समझते थे, ठीक है। लेकिन जो पोप का नॉलेज था, एलेक्जेंडर पोप का नॉलेज था, वहां पे थोड़ा सा मार खा जाता है कि वो जो है ह्यूमन के नेचर को, के लोकल नेचर को समझते थे, उसके जनरल नेचर को नहीं समझ पाते। जब अगर हम डिग्निटी ऑफ नॉलेज की बात करते हैं तो ड्राइडन जो है वो सबको पार कर देते हैं, और उनके अंदर, ड्राइडन के अंदर जो है वो पोप से कहीं ज्यादा सर्टेनिटी पाई जाती है। इन्हीं सब की वजह से जो है ड्राइडन को जो है उन्होंने पोप से ऊपर पाना। इस स्लाइड में आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ड्राइडन और पोप ने उसने किसको अच्छा माना है, तो आप लिखिएगा कि ड्राइडन को ज्यादा बेटर माना है। नेक्स्ट, अब तक जो है हम लोग ड्राइडन को पढ़ चुके हैं, कॉलिंस को पढ़ चुके हैं, अब जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म जो है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का, जो कि लाइफ ऑफ द मिल्टन को लेकर के है। मिल्टन के बारे में जो उन्होंने क्रिटिसिज्म किया है उसके बारे में बहुत सारे जो है क्रिटिक्स और जो है मॉडर्न राइटर्स कहते हैं कि उनका जो क्रिटिसिज्म है वो थोड़ा बायस्ड हो गया है। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द डॉक्टर जॉनसन क्रिटिसिज्म अबाउट जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन को वो एज अ मैन पसंद नहीं करते थे, बट कहीं ना कहीं वो जॉन मिल्टन को जो है एज अ राइटर पसंद करते। अब नहीं पसंद करने के पीछे का क्या रीजन था, उनको लगता था कि उनके जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल हैं उसको वो पसंद नहीं करते थे। अनडाउटेडली जो जो जॉन मिल्टन थे वो बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव आदमी थे, इसलिए जो है वो उनके डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को पसंद नहीं करते थे, और उनका ये मानना था कि उनकी जो फिलॉसफी ऑफ लाइफ है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल है, उसलिए उनको नहीं पसंद करते थे। उनका ये भी कहना था कि जो जॉन मिल्टन की जो अर्ली पोएट्री है उसको वो बिल्कुल ही नहीं पसंद करते थे। लिसीरास, जिसको जो है अगर हम एलिजीज की बात करें तो अगर इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में जो है अगर ग्रेट एलिजीज की बात की जाए तो एडोनिस, इन मेमोरियम और लिसीरास को कहा जाता है कि दीज आर द बेस्ट एलिजीज इन इंग्लिश लिटरेचर, बट उनकी जो एलिजी थी लिसीरास उसको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उनके बारे में उन्हें कह दिया है कि ये एक ऐसी किताब है कि लोग क्या करेंगे, उसको लेंगे, पढ़ेंगे और भूल जाएंगे, जिसको कहते हैं ना वन टाइम वॉच मूवी है भाई, एक बार देखने का
आ गया मजा दोबारा नहीं देखने का। इसको आप लेमैन लैंग्वेज में ऐसे ही समझ सकते हैं कि वन टाइम मूवी है, मतलब वन टाइम वॉच मूवी है। तो इनके अनुसार जो है डॉक्टर, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जॉनसन, जो लिसीडास है, इट इज जस्ट अ वन टाइम रीडेबल बुक है, एक बार बस पढ़ लिया उसके बाद भूल जाओ, ठीक है। उनका कहना था कि जो डिक्शन जो यूज किया गया वो बहुत ही ज्यादा हार्श यूज किया गया, इसमें राइम्स जो है वो अनसर्टेन है, और जो है ये मतलब बहुत ही ज्यादा अनप्लीजिंग है उनको वो बिल्कुल भी, यानी कि उसमें क्या क्या खराबियां थी लिसीडास में उन्होंने बताया है। दूसरा, वो मिल्टन को इतना मतलब कम पसंद करते थे कि वो मिल्टन के बारे में लिखना भी नहीं चाहते थे, बट जो पब्लिशर थे, जो बुकसेलर थे, उन्होंने उनको कहा कि आपने इतने लोगों के बारे में लिखा है बट आप मिल्टन के बारे में नहीं लिखा, तो उनके रिक्वेस्ट के ऊपर उन्होंने क्या लिखा था, मिल्टन के ऊपर लिखा था। अच्छा, मिल्टन को नहीं पसंद करने की सबसे बड़ा रीजन क्या था, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि मिल्टन जो है ना बहुत ही प्राइड वाले आदमी है, उनको ऐसा लगता है कि उनके अंदर बहुत ज्यादा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, जिस चीज को वो पसंद नहीं करते थे। उनको लगता था कि जो मिल्टन है वो अपने आप को बहुत दिखाते हैं, उनके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो किसी को पसंद नहीं करते, मतलब वो किसी की तारीफ नहीं करते, और अगर किसी की तारीफ भी करते हैं तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोल देते हैं, एक वर्ड में बोल देते हैं, उनके अंदर वो ताकत नहीं है कि वो किसी को अप्रिशिएट कर सके। और ये जो है उनके उनके अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, वो जो है उनके प्राइड को बताता है। डॉक्टर जॉनसन ने उन्हें कभी भी एक अच्छा इंसान नहीं माना है, ठीक है। और दूसरी बात जो कहा है कि उनको उनको जो है एक और तरीके रीजन था रेडिक्यूल करने का, जो मैंने आपको पहले बताया कि जो है उनके डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को नहीं पसंद करते थे, क्यों, क्योंकि उनका जो रिलेशनशिप था क्रॉमवेल से साथ, हम जानते हैं कि क्रॉमवेल के साथ मिल्टन के बहुत ही अच्छे रिलेशन रहे हैं, ठीक है, तो उस रिलेशनशिप को वो पसंद नहीं करते थे, और एडवोकेसी ऑफ लिबर्टी उसको भी जो वो क्या करते थे, पसंद नहीं करते थे, ठीक है। अच्छा, लेकिन जो है उनका जो पोएटिक परफॉर्मेंस था, उनको जो है वो उन्होंने प्रेस किया है कि एज अ राइटर जो है वो अच्छे हैं, उनका जो पोएटिक स्टाइल है वो अच्छा है कुछ हद तक, बट जो है एज अ मैन वो अच्छे नहीं है, ठीक है। अच्छा, उनकी ये तो मैंने आपको बता दिया है कि जो उनकी अर्ली पोएट्री थी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि उनकी जो अर्ली पोएट्री जैसे लिसीडास हुआ, इल पेंसिरिसो हुआ, इल एलिग्रो हुआ, इसको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। याद रखिएगा, इल पेंसिरिसो और इल एलिग्रो जो है दीज आर द सिस्टर पोएम्स ऑफ जॉन मिल्टन, तो इसको वो बिल्कुल ही पसंद नहीं करते थे। इनके बारे में जो है उन्होंने बड़ी अजीब सी बात की है, आप इस सेंटेंस को थोड़ा सा याद रखिएगा, इस कोट को याद रखिएगा कि ही वॉज अ लायन दैट हैज नो स्किल इन डैंडलिंग द किड्स। वो क्या है, एक ऐसे एक है तो वो बहुत बड़ा फिगर, अगर आप इसको लिटरली लैंग्वेज में समझे तो, कि वो है तो एक बहुत ही बड़ा फिगर, बट उनके अंदर जो है मतलब वो एक स्किल नहीं है, मतलब जितने बड़े वो राइटर हैं, जितने बड़े कद के वो राइटर हैं, उनका स्किल उनको मैच नहीं करता। तो ये उन्होंने बहुत बड़ी बात याद कर उनके बारे में कह दी। आप इस लाइन को बिल्कुल ही मगअप कर जाइएगा, ये फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ये लास्ट लाइन जो आपको रेड कलर में दिख रही है, यू हैव टू, जब आप नोट्स बनाइएगा तो इस लाइन को जरूर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, जैसा कि हाँ, उन्होंने जो उनका वर्क है कॉमर्स, जिसमें उन्होंने एक लेडी के वर्चू के बारे में बताया है, उन्होंने उसकी प्रेस की है, कहा है कि अच्छा वर्क है, लेकिन उसमें भी कहा है कि अगर हम उसे अगर एज अ ड्रामा के तौर पे देखते हैं तो वो एक अच्छा वर्क नहीं है। कॉमर्स जो है एक बहुत बड़ा मॉस्क है, मॉस्क जो है एक काइंड ऑफ लिटरेरी फॉर्म होता है, जिसके जो है बेन जॉनसन और जॉन मिल्टन कहा जाता है कि मास्टर्स हुआ करते थे, तो कॉमर्स भी जो है वो एक तरीके का मॉस्क है, तो उसको तो इन्होंने प्रेस किया। उनका कहना है कि मॉस्क जो है वो एक अच्छा वर्क है उनका, लेकिन अगर हम मॉस्क को एज अ ड्रामा देखते हैं तो वो एक अच्छा वर्क नहीं है, ठीक है। अब जो है उनके पैराडाइज लॉस को जो है उन्होंने प्रेस किया है, कहा है कि जो उनका पैराडाइज लॉस है वो एक अच्छा वर्क है, और एडिसन ने जो है क्रिटिसिज्म किया है सैटर्न के ऊपर, वो भी जो है सही है, बहुत हद तक सही है। और लेकिन उनका ये कहना था कि जो सैटर्न ने जो है बहुत सारे कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ किया है, ऐसे सेंटेंसेस का यूज़ किया है जो एक पायस ईयर के लिए सुनना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इट्स नॉट गुड। और अनडाउटेडली सैटर्न ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें कही है, जैसे उसकी बेटी का सीन अगर आप याद करें, जो है डेड, और जो उसकी जो चाइल्ड थी, एक बेटी और बेटा जो था वो उसका इलीजिटिमेट चाइल्ड था, तो इस तरह के कुछ कुछ ऐसे सीन्स हैं जो कि सुनने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो इन सब के बारे में कहा कि सैटर्न जो के जो रिमार्क्स थे बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव थे, कानों में सुनने में अच्छे नहीं लगते। पैराडाइज रिगेन को और सैम्स
एंड एग्नोस्टिक्स को जो है उन्होंने प्रेस किया है। पैराडाइज रीगेन के बारे में आप याद रखिएगा कि पैराडाइज रीगेन जो है वो जॉन मिल्टन का बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है। अनडाउटेडली जो है पैराडाइज लॉस्ट पैराडाइज रीगेन से बहुत बड़ा वर्क है, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि जॉन मिल्टन का फेवरेट वर्क कौन है तो आप लिखिएगा पैराडाइज रीगेन। ये क्वेश्चन कई बार जो है पीजीटी में पूछा जा चुका है, नेट में पूछा जा चुका है कि एक और विच वर्क इज द बेस्ट वर्क ऑफ जॉन मिल्टन, एक किस विच इज द सॉरी विच इज द फेवरेट वर्क ऑफ जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन किसको ज्यादा पसंद करते थे, तो आप पैराडाइज रीगेन लिखिएगा। ठीक है, एक और चीज जो यहाँ पर है जो उनको डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जो है उसकी पसंद नहीं करते हैं, अगर उनकी प्रीफेस टू शेक्सपियर को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने शेक्सपियर को बहुत प्रेस किया है कि उन्होंने जो है ब्लैंक वर्ड्स को जो है परफेक्ट कर दिया, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ला दी और उसको जो है प्रोज के लैंग्वेज के बहुत करीब कर दिया। तो जो ब्लैंक वर्ड्स है उसको लेकर के जो है शेक्सपियर का अचीवमेंट काफी बड़ा उन्होंने दिखाया है, लेकिन उसके बिल्कुल ही अपोजिट वो यहाँ पे बात करते हैं कि ही फेल्स टू अप्रिशिएट द ब्लैंक वर्ड्स ऑफ मिल्टन। जो मिल्टन का जो यूज ऑफ ब्लैंक वर्ड्स है उसको वो बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करते हैं, क्योंकि उनके जो यूज ऑफ ब्लैंक वर्ड्स में उनको वो ब्यूटी नहीं दिखाई देती, वो राइम नहीं दिखाई देता जो कि ब्लैंक वर्ड्स में होना चाहिए। तो उनके अनुसार जो है शेक्सपियर ने तो जो है परफेक्ट कर दिया ब्लैंक वर्ड्स को, लेकिन मिल्टन ने जिस तरीके से ब्लैंक वर्ड्स का यूज किया है इज नॉट अप्रिशिएटिंग। और दूसरा जो है जो जॉन मिल्टन जो है वो टोरी पार्टी के सपोर्टर थे, तो वो कहते हैं कि डॉक्टर जॉनसन फाइनल ट्रिब्यूट टू मिल्टन विच ही स्पीक्स ऑफ द इंटेलेक्चुअल, और उनकी जो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी थी टोरी पार्टी को लेकर के उसको जो है उन्होंने प्रेस किया है। देन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये सारी चीजें हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, जो उनका वर्क था सैमसन और एग्नोस्टिक्स उसको उन्होंने बहुत ही ज्यादा एडमायर किया है, और वो कहते हैं कि जो है जॉन मिल्टन जो है वो उनके लिए जो है स्पेंसर को वो बहुत ही इंपॉर्टेंस देते थे, और स्पेंसर जो है उनके बहुत ही खास पोएट्स में थे। और उन्होंने फिर कहा है कि मिल्टन का जो फेवरेट पोएट है दैट इज अ काउली। ठीक है, एक और बहुत बड़ा कमेंट उन्होंने जो किया है, हम सब जानते हैं कि शेक्सपियर ने 154 सनेट्स लिखा है और शेक्सपियर के सनेट्स हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसा कहा जाता है कि शेक्सपियर के बाद अगर किसी ने बहुत अच्छे सनेट्स लिखे हैं तो वो जॉन मिल्टन ने लिखा है। लेकिन यहाँ पर जो है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है कि उनके जो सनेट्स थे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। जॉन मिल्टन के सनेट्स अकॉर्डिंग टू सैमुअल जॉनसन बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, उनमें जो है उनका कोई नेचर नहीं था, उसमें ट्रुथ नहीं की कमी थी, उसमें कोई आर्ट नहीं था, उसमें कोई न्यूनेस नहीं था। इस सेंटेंस को, इस कोटेशन को आप याद रखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन मिल्टन सनेट्स इन दिस पोयम देर इज नो नेचर, फॉर देयर इज नो ट्रुथ, there is no art and there is nothing new। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी है कि बिल्कुल ही एकदम इस जो थॉट थी लोगों की, जो एक थॉट है, जो क्रिटिक्स की थॉट है कि जो है जॉन मिल्टन के जो है सनेट्स बहुत अच्छे माने, तो उसको उन्होंने बिल्कुल यहाँ पे नकार दिया है और कहा है कि जॉन मिल्टन के जो सनेट्स हैं वो बहुत ही बेकार थे, उसमें कुछ भी नयापन नहीं था, कोई भी ट्रुथ नहीं था, कोई भी जो है आर्ट नहीं था। ठीक है, तो आई थिंक हमने जो है मिल्टन के बारे में जो उन्होंने क्रिटिसिज्म किया है उसको हम बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द फोर राइटर्स के बारे में हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आपको जो है थोड़ा सा जो है थॉमस ग्रे के बारे में बता देते हैं कि थॉमस ग्रे को भी वो एज अ मैन पसंद नहीं करते थे। उनका ऐसा मानना था कि जो है थॉमस ग्रे जो है एक अच्छे इंसान नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि उनका एलिजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्च यार्ड जो है एक बहुत ही बड़ा वर्क है, बहुत ही अच्छा वर्क है, उसको वो अप्रिशिएट करते हैं, बट थॉमस ग्रे को वो एज अ मैन पसंद नहीं करते हैं, जस्ट लाइक जॉन मिल्टन। अब हमारा सिर्फ एक लास्ट मेजर राइटर बच जाता है, दैट इज अब्राहम कोल, जो हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।
हाँ, अब्राहम कॉली जो है, अब्राहम कॉली, ये यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में आता है कि जो वर्ल्ड मेटाफिजिक फिजिकल पोएट है या जो वर्ल्ड मेटाफिजिकल पोएट्री है, उस टर्म को किसने क्वाइन किया है। तो जो वर्ल्ड मेटाफिजिकल पोएट्री है या मेटाफिजिकल पोएट्स है, उसको पहली बार, डॉक्टर गौर से सुनिएगा, उसको पहली बार डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने अपने वर्क लाइफ ऑफ द पोएट में, व्हेन ही वाज डिस्क्राइबिंग द लाइफ ऑफ अब्राहम कॉली, उसमें पहली बार उस टर्म को क्वाइन किया गया। ये क्वेश्चन जो है नेट में, पीजीटी में, टीजीटी में, जीआईसी में, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, सब में पूछा जाता है। इस चीज को आप एकदम याद रख लीजिएगा कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन हैज क्वाइन द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्री इन हिज वर्क लाइफ ऑफ द पोएट, व्हेन ही डिस्क्राइब्स द लाइफ ऑफ अब्राहम कॉली। एकदम रट जाइए इसको, रट जाइए, ये क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है, एकदम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो काउली को भी बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, ठीक है। उनका ये मानना था, जॉनसन वाज नॉट एग्री, उनको जो 17th सेंचुरी के जो राइटर्स थे, जैसा कि मैंने बताया था, उनको जो है उनके स्टाइल को वो पसंद नहीं करते थे। क्यों नहीं पसंद करते थे? क्योंकि उनका मानना था कि उन्होंने जो थियोलॉजी है और इंटेलेक्ट है, उन दोनों को क्या कर दिया है, साथ में कर दिया है, ठीक है, जिससे जो है बहुत ही ज्यादा एक काइंड ऑफ अ वेग क्रिएट होता है पोएट्री में, ठीक है। दे कंसीडर विट एंड कंसीट मोर इन देयर वर्क, बट द विट एंड कंसीट इज टू ऑड दैट द रीडर यूजुअली लूजेस साइट ऑफ द थिंग्स टू बी इलस्ट्रेट। विट का मतलब क्या होता है कि एक तरीके विट और कंसीट, ये दोनों जो चीजें हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेटाफिजिकल पोएट्री की जब हम बात करें तो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये चीज जानना बहुत जरूरी होगा कि विट क्या होता है, ठीक है। विट जो है एक काइंड ऑफ इंटेलेक्ट है जो कि पोएट्री में यूज किया है, मेटाफिजिकल पोएट्स ने जो है यूज किया है, ओके। तो उसको अगर आप हम डिफाइन करें तो हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि विट जो है दैट इज एन इंटेलेक्चुअल प्लेफुलनेस विद आइडिया एंड इमेज इज ऑफन टर्म विट। मतलब एक आइडिया है जो कि आपको हंसा देता है, ठीक है। और दूसरा जो टर्म है दैट इज कंसीट, इसको हम मेटाफिजिकल कंसीट भी कहते हैं। एक्चुअली इट इज एन एक्सटेंडेड मेटाफर दैट मेक्स एन आउटस्ट्रेच्ड कंपैरिजन बिटवीन द पर्सन स्पिरिचुअल फैकल्टी एंड अ फिजिकल ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड। इसको हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि ऐसा, जैसे अगर मान लिया कि अगर आप डन की बात करें तो डन ने क्या किया है कि अगर आप देखें तो उन्होंने कहा है कि जो लवर और बिलवर है उसको उन्होंने कंपेयर किया है कंपास के टू लेग से। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या लवर और बिलवर में जो है इस तरीके का कोई कंपैरिजन हो सकता है? तो इसी को जो है हम कंसीट कहते हैं, यानी कि फार फेस इमेजरी का यूज किया है। मतलब दो ऐसी चीजें जिनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, लेकिन पोएट अपने इंटेलेक्ट से उसमें रिलेशन एस्टैब्लिश करता है। जैसे जो लवर और बिलवर होते हैं उसको उन्होंने कंपेयर किया है टू लेग्स ऑफ कंपास से। अगर एक लेग उसका लवर है और दूसरा लेग जो है उसका बिलवर है, और वो दोनों कनेक्टेड है, ऊपर में जो एक नॉट लगा होता है उससे वो क्या है, दोनों ही कनेक्टेड है, ठीक है। अगर वो नॉट टूट गई तो दोनों लवर और बिलवर का रिलेशन कर, तो यही उसकी ग्रेटनेस है। बट इस चीज को जो है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन अच्छा बिल्कुल भी नहीं मानते थे, बट इनके बिल्कुल ही अगेंस्ट थे, इस व्यू के बिल्कुल ही अगेंस्ट थे टीएस एलियट, मॉडर्न राइटर टीएस एलियट बिल्कुल ही इनके अगेंस्ट थे। उनके अनुसार जो चार जो इंटेलेक्ट मेटाफिजिकल पोएट्स जॉन डन में या फिर जो दूसरे मेटाफिजिकल राइटर्स हैं, जैसे अब्राहम कॉली हुआ, लवलेस हुए, ये सब जो राइटर है, जो यूनिकनेस ऑफ आइडिया, जो स्टाइल, जो पैशन मेटाफिजिकल पोएट्स में पाया जाता है, वो किसी भी राइटर में, विक्टोरियन हुआ, चाहे हमारे जो है ऑगस्टिन एज के राइटर हुए, चाहे वो रोमांटिक राइटर हुए, वो किसी में भी नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये सबका अपना अपना ऑब्जर्वेशन है। तो उनका ये मानना था, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का ये मानना था कि वो लोग जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करते थे विट का और कंसीट का यूज़ करते थे बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से रीडर्स जो है, रीडर्स के इमोशंस से जो है वो कनेक्ट नहीं कर पाते थे, और रीडर जो है अपना इंटरेस्ट पोएट्री में लूज कर देता था, ठीक है। यानी कि अगर वो ऐसे ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते थे, ऐसे ऐसे कंपैरिजंस का यूज़ करते थे, हाइपरबोली का यूज़ करते थे, मेटाफर का यूज़ करते थे, फारफेस्ड इमेजरी का यूज़ करते थे, कि उस
जो है एक कॉमन रीडर के लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाता था, और कॉमन रीडर जो है अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को जो है पोएट्री से जो है कनेक्ट नहीं कर पाता था, इसीलिए जो है उन्होंने मेटाफिजिकल पोएट्री को अच्छा नहीं माना है। ठीक है, यही बात यहाँ पे कह रहा है कि रीडर फेल्स टू अटैच, वो जो है उसके साथ अटैच नहीं कर पाता था और जो है बोर हो जाता था, और जो राइम्स उसमें यूज किए गए बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स, इतने ज्यादा जो वर्ड्स और स्टाइल, मैंने कहा ना आपको कि जो मेटाफर्स यूज किए जाते थे, जो इसमें हाइपरबोली का यूज किया था, तो वो इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते थे कि एक नॉर्मल रीडर के लिए जो है उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाता था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट लाइन। The theme is peculiar. It was not decorated by the conventional comparison. It illustrated or emphasized by the fantastic metaphor and extravagant hyperbole. जो मैंने आपको बोला है अभी और जिसको आपको मैंने अभी अभी सॉरी जिसको जिसके बारे में मैंने अभी अभी आपको बताया और एक एग्जाम्पल से समझाया है कि लवर और बिलवर को जो है मेटाफिजिकल पोएट्स ने क्या किया है, कैंपस के टू लेग्स से जो है कंपेयर किया। तो ये क्या है, ये एक ऐसा कंपैरिजन है, एक ऐसा हाइपरबोलिक कंपैरिजन है, या फिर एक ऐसा फार फेज इमेजरी है, एक ऐसा यूज ऑफ वर्ड्स और इमेजेस है जिससे जो है एक जो रीडर है वो अपने फीलिंग्स को एसोसिएट नहीं कर पाता था और बहुत ही जल्दी बोर हो जाता था। उन्होंने सेंसुअलिटी, सेंसुअलिटी का मतलब जिसको हम अपने सेंसेस से, जो सेवन सेंसेस है हमारे, जो हमारे सॉरी जो हमारे फाइव सेंस ऑर्गन है उससे हम उसको हम सेंसुअलिटी कहते हैं। सेंसुअलिटी इज ब्लेंड विद फिलोसफी, सेंसुअलिटी को उसने क्या कर दिया है, फिलोसफी से ब्लेंड कर दिया है, एंड पैशन को इंटेलेक्ट से, एंड कंट्रास्ट इज मूविंग इनटू जगह। और मतलब इस तरीके से उन्होंने लिखा है कि पोएट्री की जो नेचुरलनेस है वो खत्म हो जाती है और कहीं ना कहीं आर्टिफिशियलिटी दिखने जाती है, जिसको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उनका कहना था कि जो मेटाफिजिकल पोएट्री है वो राइट डायरेक्शन में जो है वो फ्लो नहीं कर रही है, और इसको इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने एरिस्टोटल की मदद ली है। और उन्होंने कहा है कि अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल पोएट्री में इमेजिनेशन होना चाहिए, डिक्शन होना चाहिए, मेटाफर होना चाहिए, जो चीजें जो है लैकिंग है किसमें, मेटाफिजिकल पोएट्स में। आई थिंक आई हैव ट्राई माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन द लाइफ ऑफ द पोएट। मैंने इस एक वीडियो में, हाँ ये वीडियो जरा लंबी जरूर हो गई है, बट आपको ये मेरा वीडियो देखने के बाद कहीं भी और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भी कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इससे जो है मेरा जो उत्साह है वो और बढ़ेगा और मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोज बना करके लेके आऊंगी। और अगर जो लोग हमारे क्लास में, पेड क्लास में जो है एडमिशन लेना चाहते हैं, वो प्लीज हमें कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।